बड़वा विधानसभा के सनावद नगर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान चल रहा है। जैसा कि देख सकते हैं कि गर्ल्स स्कूल के सामने जो मतदान केंद्र है वहां कांग्रेस और भाजपा के दोनों दलों के कार्यकर्ता साथ में खड़े हुए हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा चल रहा है मतदान। कैसा चल रहा है मतदान? काफी अच्छा चल रहा है, करीब 70% मतदान हो गया। जनता में काफी उत्साह है और डबल इंजन की जो सरकार भाजपा कहती है, एक इंजन तो फेल हो गया और जल्दी दूसरा इंजन भी फेल होगा। आज जनता ने साबित कर दिया है कि जो विकास करेगा, जो योजनाओं पर अमल करेगा, उसी का साथ देगी। क्या बढ़ावा मतदान कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है? वो जो गलत फहमी भाजपा फैलाती है, इस बार उसका रिजल्ट आपको 3 तारीख को मिल जाएगा। ये इंदर बिल्ला जी जो कांग्रेस नेता है, हमारे साथ में भाजपा के नेता भाई राजा सोनी जी है। राजा भैया, बढ़ावा मतदान कितना पक्ष में भाजपा के की कांग्रेस के? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से यहाँ पर सरकार बना रही है। बड़वा विधानसभा सचिन बिरला विधायक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इस क्षेत्र से पहले भी भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है और लोकसभा चुनाव हो या कोई सा भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सनावद में हमेशा जीतती है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे राजा सोनी जी जो कह रहे हैं कि सनावद नगर हमेशा भाजपा जीतते आई है। हमारे साथ में है भाई साहब जो वरिष्ठ नेता है प्रांजल भावसार जी। जी प्रांजल, आज जो मतदान का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, ये एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मतदान है जिसने कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा घोपा और जनादेश का अपमान किया। इस जनादेश के अपमान के खिलाफ ये जो हैवी पोलिंग हो रहा है, ये सिर्फ व्यक्ति विशेष के खिलाफ मतदान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी करीब करीब 30 से 40 हज़ार मतों से यहाँ जीतेगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, ऐसी मेरी आशा है। और मेरा ये व्यक्तिगत सचिन बिरला के विरोध में आक्रोश के रूप में बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। हमारे बीच में भाजपा के नेता श्याम माहेश्वरी जी है। श्याम भैया, क्या विरोध के रूप में पड़ रहा है ये वोट बढ़ता हुआ? बिल्कुल नहीं, हमने पिछले 20 वर्षों से देखा है बड़वा तहसील में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीतती है। सिर्फ पिछला चुनाव हम हारे हैं, वो भी हमारे व्यक्तिगत कारणों से हारे हैं। ये निश्चित रूप से मान के चलो कि इस चुनाव में फिर से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनेकों योजनाएं जो गरीबों के हितों के लिए लागू की गई थी, वो निश्चित रूप से लागू रहेगी और पूरे प्रदेश में लाडली बहना का इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है कि प्रचंड बहुमत से बढ़वा तहसील में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और खरगोन जिले के साथ पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत के अपनी सरकार बना रही है। दोनों दलों के नेताओं का वादा है और दावा भी है कि भाजपा का सरकार बना रही है तो कांग्रेस सरकार बन रही है। तमाम तरह की खबरों के लिए तेज न्यूज के साथ जुड़े रहिए।